मैं हूं जूली और आप सब देख रहे हैं NBC 24। बिहार में रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक ताजा अपडेट है। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार पंचायत में राशन डीलर यानी कि PDS डीलर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर डीलर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो इस आवेदन को भरने के लिए क्या कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, आइए जानते हैं। बिहार सरकार ने इस भर्ती की नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट nalanda.nic.in पर जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जो कि आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि nalanda.nic.in पर जाकर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहीं से आपको आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके जरिए आप बिहार पंचायत में राशन डीलर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करके रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से संबंधित अनुमंडल कार्यालय में भेजना होगा। आपको बता दें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 सितंबर है, यानी कि 22 सितंबर 2021। अगर इस डेट तक आप फॉर्म नहीं भर पाए या फिर फॉर्म की हार्ड कॉपी अनुमंडल कार्यालय नहीं भेज पाए तो आपका आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। इसलिए यदि आपको इस पद के लिए अप्लाई करना है तो 22 सितंबर से पहले अवश्य कर लें। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आमतौर पर इस पद के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है। बिहार सरकार द्वारा जारी इस नोटिस में लिखा गया है, विज्ञापन संख्या 1/2021 के आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नियुक्ति हेतु सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भरने के पश्चात विहित प्रपत्र में सभी अनुलंगकों के साथ संबंधित अनुमंडल कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 22/9/2021 तक अवश्य भेजें, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ये थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको इस आवेदन भरने से पहले ध्यान में रखनी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।